देखिए दोस्तों, ये अरावली पर्वत श्रृंखला और अभी बरसात के दिनों में देखिए आप यहाँ की सुंदरता चरम पर होती है। ये देखिए इस तरफ ये कपड़े लटकाए हुए हैं साथियों ने, और ये बरसाती नदी देखिए आप किस तरह से बह रही है। बरसात आने वाली है, देखिए वो हमारे साथी, वो देखिए उधर युवा साथी नहाने का आनंद ले रहे हैं, और ये देखिए ये इस तरफ दाल बाटी बनाने की तैयारी प्रकृति के बीच में। ये देखिए ये मसाला तैयार करते हुए भगवान साहब, देखिए ये शुद्ध देसी मसाला एकदम, और पत्थर पर देखिए तैयार हो रहा है। और ये लहसुन अब इसको इसमें डाला जाएगा, ये देखिए। और इस तरफ ये देखिए ये मुकेश जी है, और ये देखिए ये आटा लगा रहे हैं, ये बाटी बनाने तैयार, उधर जगरा तैयार कर दिया देखिए। और ये कस्तूरी मेथी जो रखी है ये आटा लगा हुआ है, और ये दाल सीजती हुई, और ये तेल डाल दिया उफान को कम करने के लिए, तेल डाल दिया देखिए। प्राकृतिक सुंदरता के बीच में शुद्ध प्राकृतिक भोजन। और ये उस तरफ वो देखिए हमारे युवा साथी नहाने का आनंद ले रहे हैं, और ये देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला। कल 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 करता हुआ पानी बह रहा है, कितना शानदार नज़ारा। ये देखिए ये धोखड़े का पेड़, पूरा जंगल धोखड़े का है। बहुत ही शानदार, और ये देखिए ये कंडे की आग तैयार की है बाटियों के लिए, कंडे पड़े हुए इधर, ये देखिए। और ये देखिए शानदार नज़ारा, ये नदी देखिए। और ये देखिए ये जगराम दाल तैयार करता हुआ, और ये इधर बाटी तैयार करते हुए मुकेश जी, और भगवान साहब देखिए अभी भी मसाले में लगा हुआ है। शुद्ध देसी मसाला, बिल्कुल शुद्ध देसी भोजन तैयार हो रहा है दाल बाटी का। और वो जयन उधर से गजानंद नहा कर आ रहा है देखिए। और वो श्री राम देखिए उस तरफ बात करता हुआ, हल्दी डाल दी ना मैं यार, नहीं क्या करवा यार, जिस वो आग की जल्दी देख, वो लोहे बनवा लो, लोहे की दीखे जाने बिन की है, मेरी है मेरी, कल लेनी है ये देखिए अब मसाला तैयार हो गया भगवान साहब ने, ये शानदार मसाला तैयार किया देखो। आ गए आ गए,
है दोस्तों, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में प्रकृति के साथ और भोजन का आनंद बनाने का। और ये छोटू देखिए अपनी टीम के साथ इस तरफ, ये आटे के लोहे बना दो बाटी के, छोटे 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 बेटे इतने बड़े बना दो, देखिए। तो आइए कभी हमारे इस पूरी राजस्थान करौली ज़िले के सपोर्टर तहसील ग्राम पंचायत परतून से सटी हुई अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच।